तो हम टैक्स के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ आर डिसीजंस अराउंड मनी इन्वेस्टिंग वेरी रेयरली टेक टैक्स इनटू अकाउंट। अगर आप पैसे को समझना चाहते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पैसे का जिसको हम यूजुअली अवॉइड करते हैं वो है इनकम टैक्स, इनफैक्ट टैक्स इन जनरल, क्योंकि टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कहीं कट जाती है, कभी कंपनी के लेवल पे कट जाती है इन फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, कहीं बिल के टाइम पे कट जाता है इन फॉर्म ऑफ GST। तो हम टैक्स के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ आर decisions around money investing very rarely take tax into account. एक simple सा सवाल पूछता हूँ, अगर आप एक 500 रुपये की t-shirt खरीद रहे हैं, वो t-shirt आपको कितने की पड़ती है? आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कुछ तो trick question है, क्योंकि of course answer 500 रुपये नहीं है, तो आप सोचेंगे ओ नहीं इसमें तो GST लगा होगा, तो वो 18% GST होगा या जितना भी t-shirts पे होता है, तो मैं एक्चुअली 500 रुपये नहीं 500 रुपये से 18% कम खर्च कर रहा हूँ। सिंपल सा आंसर है, आपको ये 500 रुपये अपनी इनकम के तौर पे मिले हैं या किसी की इनकम, चाहे आपके पेरेंट्स ने आपको ये पैसे दिए हुए हैं तो उनकी इनकम से, या शायद आपने ये खुद कमाए हो। जब आपको ये पैसे मिले तो ये टैक्स कट के आए थे, विच मीन्स कि अगर आप लेट्स अज्यूम 20% वाले टैक्स स्लैब में है, इसका मतलब यह है कि आपकी साल की इनकम ऐसी है कि आपको 20% के करीब टैक्स पे करना होता है। सो दैट मीन्स दैट द एक्चुअल मनी दैट यू स्पेंड उस टी शर्ट को खरीदने में, जो कि 500 रुपये की आपको लगता है आपको पड़ी, 500 रुपये की नहीं थी, 500 रुपये से कई ज़्यादा थी। कितनी ज़्यादा? अप्रॉक्सीमेटली 20% मोर। जितनी आपकी एक्चुअल इनकम थी, जो CTC होती है ना, जो आपके ऑफर लेटर में आती है, उसके 20% कट के आपको 500 रुपये मिले। तो आपकी CTC ही है, आपकी इनकम से 500 रुपये नहीं गए हैं, करीब 620 रुपये गए हैं। दैट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दैट टी शर्ट दैट यू थॉट इज 500 रुपीज। एंड दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट टैक्स इज, क्योंकि हर एक चीज जिस पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं आपको वो टैक्स कट के मिला है, और वो आपकी एक्चुअल इनकम नहीं है, आपकी एक्चुअल इनकम से काफी कम है। लेट्स गिव अनदर एग्जांपल, हमारे माँ बाप को बहुत शौक है कि पैसा FD में डाल दें, फिक्स्ड डिपॉजिट डाल दो, फिक्स्ड डिपॉजिट पे एनीवेयर बिटवीन 5-7% डिपेंडिंग ऑन स्कीम, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो शायद थोड़ा सा और ज़्यादा, बट लेट्स से इट्स अबाउट 5%। आपको अपने फिक्स डिपॉजिट पे 5% मिल रहा है और आपको लगता है गुड, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो करीब 4% है, तो मेरा पैसा एक्चुअली बढ़ रहा है, क्योंकि मैं 5% कमा रहा हूँ, मेरे पैसे की इन्फ्लेशन 4% है। इन्फ्लेशन आप समझते हैं, जल्दी से बताऊँगा। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि हर साल जो चीज़ें 100 रुपये की हुआ करती थी वो अब कितने की होंगी, एंड इफ़ द इन्फ्लेशन इज 4%, इसका मतलब ये कि जो पिछले साल चीज़ें 100 रुपये की थी आज वो 4% बढ़कर 104 रुपये की हो गई हैं। That is the increase in the prices of goods and services that we buy. आप आज 100 रुपये की चीज़ खरीद सकते थे, वही चीज़ अब 104 रुपये की हो गई है। तो अगर आपके पास 100 ही रुपये हैं तो आप वो चीज़ अब नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो अब 104 की हो गई है और आपके पास सिर्फ 100 ही रुपये हैं। That means आपके पैसे की कीमत घट रही है, एंड दैट्स why we invest, because we want money to grow. एंड आप अपने फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं जो आपको 5% देता है, तो आप बोलते हैं वाह, क्योंकि अब मेरे पास 100 रुपये थे, इन्फ्लेशन 4% है, विच मीन्स वो 100 रुपये की चीज़ अब 104 रुपये हो गई है, लेकिन मेरे 100 रुपये 105 हो चुके हैं, क्योंकि मुझे 5% फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ग्रेट, दैट्स हाउ एवरी बैंक सेल्स अस द फिक्स डिपॉजिट। जब कभी भी आप कैश निकालने जाते हैं या कुछ डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाते हैं तो बोलते हैं सर FD करा दीजिए, एक FD करा दीजिए। दे आर नॉट टेलिंग यू द रियल स्टोरी, वो सिर्फ अपना सेल्स टारगेट, अपना FD का टारगेट अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको सच, पूरा सच नहीं बता रहे। पूरा सच ये है
हिंदुस्तान के टैक्स लॉस के हिसाब से जितना भी आप इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, इसका मतलब ये कि जो भी आपको बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पे या किसी भी और ऐसे एसेट क्लास पे, इसको एसेट क्लास बोलते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ में जिस पे आपको गारंटीड एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उस पे सरकार टैक्स काटती है, अगेन इक्वल टू योर इनकम टैक्स। तो सपोज़ करिए कि आप अगर 20% इनकम टैक्स वाले ब्रैकेट में है, तो जो आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो एक्चुअली 5% नहीं है। साल के एंड में जो आपके 100 रुपये 105 बन जाएंगे, इसका मतलब आपने जो 5 रुपये इंटरेस्ट में कमाए हैं, उस 5 रुपये पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये का अगर 20% आप काटते हैं तो 4 रुपये बचते हैं। विच मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन 4% है, आपका फिक्स डिपॉजिट आपको 5% दे रहा है, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि 100 रुपये अब 105 तो हो गए, लेकिन इनकम टैक्स के बाद 104 ही रह गए, और वो चीज़ जो 100 रुपये की थी बढ़कर 104 रुपये हो गई है। तो आपका पैसा जो 100 रुपये का था वो बढ़कर 105 तो हुआ ही, लेकिन वो वही चीज़ खरीद पाया जो कि पिछले साल वो खरीद सकता था। सो टैक्स ने आपके पैसे को बढ़ाया नहीं। नाउ दिस इज समथिंग दैट्स कम्प्लीटली हिडन। और आजकल जहाँ इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ चुका है, करीब 6-8% तभी कभी कभी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर बाइंग एंड व्हाट नॉट, क्योंकि इन्फ्लेशन एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आइटम है, उस पर फोकस नहीं करेंगे अभी। इट इज़ पॉसिबल कि आपके फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के बाद भी आपका पैसा एक्चुअली बढ़ नहीं रहा, सेम भी नहीं है, वैल्यू में घट रहा है, बिकॉज योर इनकम टैक्स एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट, विच मीन्स आपको जो इंटरेस्ट रेट बैंक फिक्स डिपॉजिट पे दे रहा है, वो इनकम टैक्स के बाद जितना बच जाता है वो इन्फ्लेशन से एक्चुअली कम है। एंड दैट मीन्स दैट योर मनी इज एक्चुअली लूजिंग वैल्यू। दूसरी चीज, आपने एक घर खरीदा, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, एंड थोड़ा सा दाम बढ़ गया, आप खुश हो गए और आपने बोला वाह, अब मैं इन स्टॉक्स को, इस घर को बेच दूंगा एंड आई विल गेट अ गेन। तो आपने 10 लाख रुपए का एक घर खरीदा था, वो अब 20 लाख हो चुका है, और आप उसको बेचेंगे और आप बोलेंगे वाह, मैंने अब 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया है। इस घर को खरीदने के लिए आपने एक लोन लिया था और उस लोन की आप EMI चुका रहे थे, और लेट्स सपोज कि घर आपने 5 साल रखा, आपने 5 साल वो घर रखा, उन 5 सालों में आपने जो लोन लिया था वो तो वापस चुकाया ही, लेकिन लेट्स अज्यूम कि उसके ऊपर आपने 5 लाख रुपए इंटरेस्ट बैंक को दिया, तो एक्चुअली आपका घर का कॉस्ट 10 लाख नहीं 15 लाख है, क्योंकि आपने 10 लाख तो घर के लिए दिए, बैंक को वो लोन वापस किया और 5 लाख रुपए इंटरेस्ट भी जोड़े, और अब आप वो 20 लाख का घर बेचते हैं, तो आपको लगता है कि 10 लाख मुनाफा है, 10 नहीं एक्चुअली 5 ही है, लेकिन स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपने ये घर 5 साल रखा था, विच मीन सरकार जो आप ये 10 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे उसको टैक्स करेगी। दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स, ये इनकम टैक्स नहीं है, ये एक ऐसा टैक्स है जो आप अपने प्रॉफिट पे कमाते हैं ओनली फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स सच एज रियल एस्टेट या स्टॉक्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ओनरशिप के तौर पर लेते हैं। दैट मीन्स कि 5 साल के कैपिटल जो आपने रियल एस्टेट घर खरीदा था, उनका कैपिटल गेन टैक्स होता है 20%। सो दैट मीन्स ऑन 20 लाख्स एंड 10 लाख्स ऑफ प्रॉफिट यू विल हैव टू पे 20%, तो आपको 2 लाख रुपए पे करने होंगे। तो जो आपको शुरुआत में लगता था 10 लाख रुपए का घर 20 लाख का हो गया है, वो एक्चुअली 20 लाख नहीं है, 10 लाख का प्रॉफिट नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट है। 5 लाख आपने बैंक को दे दिए, 2 लाख आपने सरकार को दे दिए, और आपके पास बचे 3 लाख। और इसके ऊपर अगर आप एक इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे कि वो जो 10 लाख आपने पहले खर्च किए थे
और जो 20 लाख आपको अभी मिल रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो तो और भी कम हो जाएगा. दिस इज़ नॉट अ डिप्रेसिंग कॉन्वर्सेशन. और आप ऐसे मत सोचिएगा कि ओह मैन तो कुछ करना ही नहीं चाहिए. इसका मतलब ये है कि जो भी आप करेंगे, एंड इन्वेस्टिंग एंड ग्रोइंग योर मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप हमेशा टैक्स को मद्देनजर करते हुए करेंगे. आप हमेशा टैक्स को एक एक्चुअल रियल थिंग मान के करेंगे. आप ये नहीं बोलेंगे कि टैक्स तो कभी आ जाता है, उसको देख लेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, इवेट करने की कोशिश करेंगे. नहीं, टैक्स इज़ अ रियल थिंग. एंड इफ़ यू केयर अबाउट ग्रोइंग योर मनी, यू ऑलवेज हैव टू लुक एट योर रिटर्न्स टैक्स एडजस्टेड. अगर आप अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, आपको हमेशा अपना रिटर्न टैक्स एडजस्टेड मैनर में देखना चाहिए कि टैक्स काट के मेरे को कितना एक्चुअल रिटर्न मिलेगा. व्हेन यू डू दैट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप यू टेक टुवर्ड्स बिकमिंग वाइज विद योर मनी. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.